गाइस, वेलकम टू श्वेता व्लॉग्स। सो आज मैं एक स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करने कर रही हूँ, और वो है पिगमेंटेशन। और पिगमेंटेशन सभी को होता है, ज़्यादातर लोगों को होता है पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम। सो वो थोड़े कम क्वांटिटी में होता है, पर एक एक बार आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है, वो हम बाइफर्गेट करते हैं, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन और वाइट स्पॉट्स। सो ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे फेस में जो हम कलर प्रोड्यूस करता है हमारी स्किन के ऊपर, वो है मेलानिन। सो मेलानिन जब ज़्यादा कलर प्रोड्यूस करता है तो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जब वो कम प्रोड्यूस करता है तो ये वाइट स्पॉट्स होता है। तो ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम सभी को होता है, थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ों को नहीं दिखता। पर हाइपर पिगमेंटेशन जब होता है तो वो पूरा आपको दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको वो स्पॉट्स नज़र आते हैं, यहीं पे नहीं कहीं पे भी हो सकता है ये। और वाइट स्पॉट्स जब होता है तो यूजुअली वो एक तरफ स्टार्ट होके पूरे बॉडी में चला जाता है, तो ये आपको कहीं पे भी दिख जाता है। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन और वाइट स्पॉट्स के लिए आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इनिशियल थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन होता है, तो उसके लिए मैं घर का रेमेडीज़ आपको बताने वाली हूँ, तो आप वो करके वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक दिन में दो दिन में नहीं जाएगा, तो ये आपको बहुत दिन तक आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। और ये कॉजेस क्या है पिगमेंटेशन के लिए? सो पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप धूप में बहुत घूम रहे हो एंड यू हैव नॉट टेकन प्रॉपर स्किन केयर, जैसे कि आपको स्किन केयर के लिए स्किन सनस्क्रीन लगाना पड़ता है जब आप धूप में हो, तो वो आप नहीं कर रहे हो। इफ़ यू आर वर्किंग इन ए प्लेस जहाँ पे ज़्यादा डस्ट या पोल्यूशन होता है, तो उससे आ सकता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो विच हैज़ ह्यूज इमरजेंस ऑफ लाइट्स, जैसे कि कीमोथेरेपी, ये सब करवाने से भी आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, और बहुत सारे रीजंस है। तो और ये फैमिली ट्री में भी अगर हो तो आ सकता है, तो डिपेंड्स ऑन मैनी रीजंस। तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक मास्क बताने वाली हूँ, जहाँ जो यूज़ करके आप अपना जो इनिशियल पिगमेंटेशन होता है, जो फेस पे या नोज पे यहाँ पे होता है, यहाँ पे यूजुअली स्टार्ट होता है, तो वो आप रिड्यूस कर सकते हो। तो समटाइम्स वील हैव ऑन हैंड्स ऑल्सो, जो हाथ पे यहाँ पे सब स्पॉट्स होते हैं इनिशियली, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वो स्टार्ट होता है, तो आप वहीं से ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हो टू कीप योर फेस स्पॉटलेस। तो चलो देखते हैं कैसे ये मास्क बनाए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए एक बहुत ही राइपन बनाना, जो रॉटन होने से पहले होता है वो वाला। तो इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, नेट कार्ब्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स होते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जो जूस इसमें निकलता है वो एंटी स्पॉट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ कर्स, जो एंटी ऑक्सीडेंट और नेचुरल वाइटनिंग एजेंट है, और इसके साथ मैं ले रही हूँ राइस फ्लोर, जो बाइंडिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे एक चटनी ग्राइंड करने वाला स्मॉल मिक्स ग्राइंडर ले रही हूँ, और उसमें मैंने ये बनानास जो है पील के साथ मैंने उसको काट के डाल दिया है। तो मुझे एक बनाना मैंने यहाँ पे लिया है, उसके लिए सिर्फ एक स्पून कर्ड्स या दही आपको डालना है, और इसके साथ ये जो हमने एक स्पून का राइस फ्लोर लिया है तो वो मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है, ना कि पानी भी आपको डालना है, सिर्फ इसी को पीसना है अच्छी तरह। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी या कुछ और इसमें ऐड करेंगे तो ये जो पेस्ट हमें बनाना है तो वो वेरी लिक्विडी हो जाएगा। अगर ये बहुत सारा लिक्विड हो जाएगा तो आपके फेस पे नहीं चिपकेगा।
तो देख सकते हो आप, मैं इसी को जो भी साइड में सब चिपका है तो मैं उसे ही बीच में ला रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बनाना डाला है। अगर आप बॉडी के लिए या हाथ के लिए भी बनाना चाहते हो तो ये आप एक या दो ले सकते हो, देन इट विल बी इजी टू ब्लेंड। तो इसे अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हो तो ऐसे स्पून के सहायता से आप उसे बीच में ला सकते हो, एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। सो यहाँ पे मैंने अभी फीस लिया है और आप देख सकते हो ये ऐसा पेस्ट बन चुका है। तो हमें ऐसे ही कंसिस्टेंस वाली पेस्ट चाहिए, क्योंकि हमें पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है तो ये चिपकेगा अच्छे से। अगर ये थोड़ा भी ज़्यादा वाटरी हुआ तो ये पूरा लिक्विड लिक्विड हो जाएगा और फेस पे नहीं चिपकेगा। तो आप देख सकते हो एक पूरा पेस्ट की तरह बन चुका है, एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी वी हैव टू मेंटेन। सो इसी कंसिस्टेंसी थिकनेस में आपको बनाना है पेस्ट। तो इसको अभी कैसे लगाएं? तो कोई भी आप पेस्ट या मास्क लगाने से पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेनी चाहिए, और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कैसे आप देख सकते हो कैसे ये स्पॉट्स, सब ब्लैक स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स और जो पिगमेंटेशन यहाँ पे सेक्रेट हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो यूजुअली ये फेस पे होता है, बहुत बहुत सारे टाइम ये हाथ पे भी ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको लाइटली दिख रहा है, वो सब पिगमेंटेशन के ही लक्षण है। तो ये अगर आप पहले से ट्रीट नहीं करेंगे तो बाद में जाके ये ज़्यादा सेक्रेशन हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी उसे निकालने में। सो इट इज़ बेटर टू स्टार्टअप वन इट इज़ इन इनिशियल स्टेज। तो आप दोनों हाथों को मैं दिखा रही हूँ इसलिए, एंड यू कैन सी देर आर स्पॉट्स। सो ये स्पॉट्स जब ये स्टार्ट होता है तभी आपको ये मास्क लगाने लेनी चाहिए, एंड इट विल कम डाउन। तो अभी मैं ये मास्क ले रही हूँ, एंड बनाना तो जो है वो बहुत सारे ढेर सारे उसमें बेनिफिट्स है हमारे स्किन के लिए, एंड इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू कीप अप्लाइंग आपके स्किन पे और हेयर पे। मैं हेयर के लिए भी एक बनाना मास्क का मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं ये आपको आई कार्ड में लगा देती हूँ और एंड वीडियो में भी लगा देती हूँ, तो इट विल बी ईजी टू फाइंड। तो ये बनाना जो है इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और ये बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट इसमें रहता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डोपामाइन एंड कैचेसिंस। तो ये जो होते हैं ये दोनों हमारे स्किन जो एंटी कलरिंग होता है तो डोपामाइन उसको कम करता है, और ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारे स्किन के अंदर होता है वो इसे रिड्यूस कर होता है। और ये मैंने लिप्स पे भी लगाया है, क्योंकि पिगमेंटेशन लिप्स पे भी होता है पर हमें पता नहीं चलता जब तक हम वो रा नहीं दिखना शुरू होता, तब हम उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसे ही स्पॉट्स जहाँ पे ज़्यादा हो तो आपको ऐसे चिपकाना चाहिए, और यू हैव टू स्प्रेड इट नाइसली ऑन योर फेस, नेक नेक और जहाँ जहाँ पे आपको सब स्पॉट्स है तो वहाँ पे ऐसे लिबरली आपको स्प्रेड करना है। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि हाथ पर जो होते हैं स्पॉट्स, तो उसके लिए आप कैसे ये कर सकते हो। तो अगर आपके हाथ में, लेग्स में, कहीं पे भी हो तो आप ऐसे आराम से मसाज कर सकते हो। ये अच्छे से आप ज़्यादा प्रेशर से मत कीजिएगा, सिर्फ आपको एक मसाज की तरह करनी है, एंड यू हैव टू जस्ट डू इट फॉर योर एंटायर हैंड। तो ये पूरा आपको जो आपका जो हैंड होता है या लेग्स होते हैं, तो ऐसे आपको सर्कल और एंटी सर्कल मोशंस में आपको लाइटली आपको मसाज करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, और ये जो हमारे पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स सब होते हैं, तो ये बहुत ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। और आप देख सकते हो मैं ये पैट कर रही हूँ सो दैट इट कैन स्टिक प्रॉपरली ऑन द फेस। तो अभी मैंने पूरा लगा लिया है, और एंड यू कैन सी हाउ नाइसली इट हैज स्टिक। सो आपको भी ऐसे ही लगाना है, ज़्यादा ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने हैंड पे भी लगाया है सो दैट आई कैन शो यू।
तो ऐसे आप पूरे बॉडी के लिए भी अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी आप ऐसे कर सकते हो। और जो हाई का डार्क सर्कल्स होता है तो उसके लिए भी ये बहुत सारा फ़ायदेमंद है। और आप देख सकते हो अभी मैं ये ड्राई करने के लिए मैंने छोड़ दिया है, एटलीस्ट 30 to 45 minutes आपको इस पर इसको ड्राई करने के लिए छोड़ना है। एंड यू कैन सी आफ्टर 10 to 20 minutes इट इज़ गेटिंग ड्राइड, एंड जो हमने वीट फ्लावर लगाया था तो वो बाइंडिंग एजेंट की तरह आपको ये ड्राई करने में बहुत ही हेल्प करता है। और इसके एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप देखिए आप लिप्स जैसे ये स्टिक हो रहा है तो ऐसे होनी चाहिए। और एक और फ़ायदा इसका ये है कि राइस फ्लोर मैंने जो लगाया है इसके अंदर, तो वो आपके स्किन को टाइट करेगा, जो पोर्स जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही ऐसे स्टिक टाइट करने से वो कम हो जाएंगे, और जो रिंकल्स या फाइन लाइन्स शुरू होने वाले हैं तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब अभी ड्राई हो रहा है एंड यू हैव टू जस्ट कीप वेटिंग फॉर सम टाइम सो दैट आपका जो ये मास्क है पूरा ड्राई हो। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये वॉश कर लिया है, आपको कोल्ड वाटर में, सादा पानी में, नहीं तो लुक वार्म वाटर जो हल्का सा वार्म हो उसी में आपको वॉश करनी है। और उसके बाद आपको टॉवल ड्राई करनी है, ज़्यादा घिसो मत, जस्ट आपको पैट करके उसको ड्राई करनी है। तो अब आप देख सकते हो कितने जो स्पॉट्स है वो कम दिख रहा है, और ये जो हमारे आँखों के नीचे जो डार्क स्पॉट्स था वो भी कम हुए हैं, और लिप्स पे भी आप देख सकते हो उतना डार्क नहीं दिख रहा, पिंक लग रहा है। तो यूजुअली हम लिपस्टिक सब डालते हैं तो लिप्स भी बहुत पिगमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आप बार बार ऐसे करोगे तो ये जो स्पॉट्स सब आप बहुत थे वो कम हो चुका है। एंड यू कैन सी द लिप्स इज़ ऑल्सो लुकिंग पिंक। सो ये यहाँ पर भी नेक पे भी वो कम हुआ है, और हाथ पे भी आप देख सकते हो उतना आपको स्पॉट्स नहीं दिख रहा। एंड इफ़ यू कीप ऑन डूइंग इट रेगुलरली आपका जो ब्लैक स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, ये सब आपको बहुत कम दिखेगा एंड इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन प्रॉपरली। तो गाइस इसे थोड़ा आपको क्लीन करना पड़ेगा, पर अभी आपने देखा, मैंने दिखाया आपको कि कैसे ये सिंपल होम रेमेडी से आपका जो पिगमेंटेशन होता है वो कम होता है, और रेगुलर यूज़ से ये और भी ज़्यादा स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप करके देखो और मुझे कमेंट करो और बताओ कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो उसके बाद आप ऐसे ही मत छोड़ देना, फिर से पोर्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं। तो आपको कोई भी आपका जो मॉइस्चरिंग क्रीम है तो उसको आप लगा सकते हो, नहीं तो उसके पहले आप टोनर से उसे कवर अप कर सकते हो, इससे आपका पोर्स डैमेज नहीं होंगे और आपका स्किन हेल्दी और अच्छे से रहेगा। और आप ये करने के बाद इवनिंग तक अपना फेस वॉश या सोप से आपका फेस मत धोना, ऐसे ही सिर्फ क्रीम के आप छोड़ सकते हो एंड इट विल बी इफेक्टिव एंड इट विल बी ग्लोइंग। तो इसके बाद आप रेगुलरली जो आपको फेस वॉश करना है तो रात को या आप सुबह को आप कर सकते हो, एंड यू कैन सी द ग्लोइंग इफेक्ट ऑफ द मास्क। आप भी अपने घर में ट्राई करो और मुझे कमेंट करो कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।